टेक्निक से आज हम सीखने वाले हैं कट फ्रंट फ्लिप, और ये सब हम स्टेप बाय स्टेप बहुत ही इजी वे में सीखने वाले हैं। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, वरना आप बहुत ही कमाल के पॉइंट मिस कर दोगे जो कि आपको जल्दी से कट फ्रंट फ्लिप सीखने में मदद करेंगे। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट स्टेप के साथ। एक पावरफुल कट आपको एक्स्ट्रा फोर्स, एक्स्ट्रा जंप और एक्स्ट्रा स्विंग अप्लाई करने में मदद करता है नेक्स्ट मूवमेंट के लिए। इसलिए अगर आपका कट पावरफुल है तो आप बहुत ही इजी तरीके से फ्रंट फ्लिप कर लेंगे। तो पहले स्टेप में हम सबसे पहले बेसिक मूवमेंट को समझेंगे कट का, उसके बाद उसे प्रैक्टिस करेंगे ताकि आप कट के बाद फ्रंट फ्लिप इजीली लर्न कर सकें। तो गाइस चलिए कैसे प्रैक्टिस करना है ध्यान से देखें। सो गाइस सबसे पहले आप एक बार कार्डविल देख लें, उसके बाद कट को देखें, दोनों में थोड़ा सा डिफरेंट है। पहले आपको कार्डविल आना जरूरी है, उसी के बाद आप कट को परफॉर्म कर सकते हैं। तो कट को किस तरह से प्रैक्टिस करना है वो ध्यान से देखें। अगर कट नहीं आता है तो आपको पहले कार्डविल अच्छी तरह से सीख लें। कट के लिए सबसे पहले आपको ये पैर ऊपर उठाना है, दोनों हाथों का स्विंग पीछे से आपको लेके आना है आगे के लिए। अब आपने दोनों हाथों को प्लेस करना है जमीन में इस तरह से, और इस पैर से पूरा जंप लेते हुए इस दाहिने पैर से आपको स्विंग लेना है ऊपर की तरफ। किस तरह से लेना है ध्यान से देखें। आपका मूवमेंट यहां से पूरा फोर्स पुश एंड इस तरह से आपका लैंडिंग आने वाला है। इसमें आप जब आपके हाथ लगेंगे तो हाथों से जोर से पुश करना है ताकि आपकी बॉडी दूसरी तरफ जाए, और दोनों पैरों को जोर से स्विंग के साथ फेंकना है सीधे रखते हुए। अगर स्टार्टिंग में हो सकता है आपका स्पीड नहीं आ रहा है, लेकिन जब आप कंटिन्यू प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी स्पीड आने लग जाएगी। जब आपका स्टैंडिंग मूवमेंट अच्छे से आने लग जाता है, उसके बाद आप एक स्टेप होप लेके कार्ड को परफॉर्म करेंगे। ध्यान से देखें, एक स्टेप यहां से लिया, उसके बाद आपने फुल कट की प्रैक्टिस करनी है। ध्यान रहे गाइस, यहां पर आपका पूरा लेटरल पार्ट यूज होता है। स्विंग के बाद, जंप के बाद आपने लेटरल पार्ट को यूज करना है ताकि आप ज्यादा फोर्स को अप्लाई कर सकें। साथ ही साथ आपने दोनों हाथ से पुश भी करना है दूसरी तरफ जाने के लिए। तो गाइस बढ़ते हैं सेकंड स्टेप में। सेकंड स्टेप में अब हम फ्रंट फ्लिप का मूवमेंट सीखेंगे। एक बार फ्रंट फ्लिप का मूवमेंट आने के बाद हम कट के बाद ज्वाइंट कर लेंगे उसको कंटिन्यू मूवमेंट के साथ। तो सबसे पहले इस पोजीशन में आ जाए, कट का लैंडिंग ये मूवमेंट है। अब आपको यहां से हाफ ट्विस्ट करते हुए आगे का फ्रंट फ्लिप का मूवमेंट कंप्लीट करना है। तो ध्यान से देखें, आपकी लैंडिंग यहां आए। अब आपने दोनों हाथों को उठाते हुए फॉरवर्ड रोल की प्रैक्टिस करनी है। सबसे पहले इस तरह से आपको फॉरवर्ड रोल कंप्लीट करना है, कट का मूवमेंट एंड यहां से टर्न करना है और दोनों हाथों को मिलाते हुए रोल की प्रैक्टिस करनी है। इस मूवमेंट को आप कंटिन्यू प्रैक्टिस करेंगे जब तक आप कॉन्फिडेंट नहीं हो जाते। उसके बाद आपने हल्का हल्का जंप के साथ प्रैक्टिस करना, दोनों हाथ ऊपर एंड जंप। एक बार कॉन्फिडेंट होने के बाद स्टैंडिंग पोजीशन में अब हम इसे कट के साथ ज्वाइन करेंगे। ध्यान से देखें किस तरह, सबसे पहले स्लो रिदम के साथ विदाउट जंप करेंगे, कट कट ट्विस्ट एंड फॉरवर्ड रोल। इस मूवमेंट को इस तरह से हम प्रैक्टिस करेंगे, कट एंड वहीं से आपको फॉरवर्ड रोल का मूवमेंट कंप्लीट करना है। उसके बाद धीरे धीरे आप हल्का सा जंप लेके इसको परफॉर्म करेंगे। ये कंटिन्यू प्रैक्टिस करें जब तक आपका मोशन, जो मूवमेंट है, रिदम है, कंटिन्यू आ नहीं जाता है। उसके बाद हम थर्ड स्टेप में मूव करेंगे। सो गाइस बढ़ते हैं थर्ड स्टेप की तरफ। थर्ड स्टेप बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है गाइस, क्योंकि इससे आपके फ्रंट फ्लिप के लिए जंप इंक्रीज होगा इसके प्रैक्टिस से। और खास तौर पे ये उन भाई लोगों के लिए है जिन भाई लोगों के पास मैट अवेलेबल नहीं है। तो आपने करना क्या है ध्यान से देखें, थोड़ा सा हाइट ले लेना है जहां से आपको टेकअप लेना है, उसके बाद का आपका थोड़ा सा हाइट होना चाहिए ताकि आप उस हाइट के ऊपर से डाइव रोल कर सकें। तो किस तरह से प्रैक्टिस करना है ध्यान से देखें। सबसे पहले आपने रनिंग लेना है, उसके बाद डाइव रोल को परफॉर्म करना है उस हाइट के ऊपर। तो ध्यान से देखें, यहां से टेकअप लें और हाइट के साथ ऊपर आपने क्या करना है, ऊपर टेकअप लेना है। उसी मूवमेंट को अभी आपने क्या करना है, कट के बाद डाइव रोल में कन्वर्ट करना है। तो गाइस इस तरह से आपने नीचे से ऊपर की तरफ डाइव रोल करना है हाइट में। ये आपके लिए सेफ रहेगा। सेफ इसलिए गाइस क्योंकि अगर आप ग्राउंड लेवल में करते हैं, अगर आपकी बॉडी ओवर हो जाती है तो आपको चोट लग सकती है, इंजरी हो सकती है। इसलिए आपने पहले थोड़ा सा हाइट के साथ प्रैक्टिस करना है ताकि आपका जंप तो इंक्रीज होगा ही, साथ साथ आपकी बॉडी रोटेशन मूवमेंट भी इंक्रीज होगी इससे। अगर ये परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं गाइस हाइट में, तो आपने डाइव रोल पहले प्रैक्टिस कर लेना है। ध्यान से देखें डाइव रोल, इस तरह से आपने डाइव रोल को परफॉर्म करना है, साथ ही साथ आपने कट डाइव रोल को भी प्रैक्टिस करना है। इससे आपका हाइट इंक्रीज होगा और आपको जो टेकअप के बाद आपको हाइट लेना होता है वो इंक्रीज होगा इस मूवमेंट से या इस स्टेप से। तो कंटिन्यू इसको प्रैक्टिस करें जब तक आप इसमें कॉन्फिडेंट नहीं हो जाते। उसके बाद हम ग्राउंड लेवल में फोर्थ स्टेप में
मूव करेंगे। सो गाइज बढ़ते हैं फोर्थ स्टेप में। अब हम कट के बाद फुल फ्रंट की प्रैक्टिस करेंगे, लेकिन स्टार्टिंग में किस तरह से आपको प्रैक्टिस करना है ध्यान से देखें। एक हम कट करने के बाद पूरा ऊपर जंप करेंगे, उसके बाद फुल जंप के साथ डाइव रोल करेंगे, और साथ ही साथ हम कट के बाद टक जंप करेंगे और उसके बाद डाइव रोल की प्रैक्टिस करेंगे। उसके बाद हम कंटिन्यू मोशन में फ्रंट फ्लिप को परफॉर्म करेंगे। किस तरह से करना है ध्यान से देखें एक बार। यहां से कट एंड डाइव रोल, पूरा जंप लेना है, उसके बाद आपने डाइव रोल करना है। इसी के साथ साथ आपने एक कट करना है और उसके बाद टक करना है पूरा मूवमेंट के साथ और डाइव रोल। इस तरह से आपने टक करना है, जितना हो सकता है आपने जंप करने के बाद टक करना है और उसके बाद रोलिंग करना है, आगे रोल करना है। तो गाइस इतना सब प्रैक्टिस करने के बाद आपने अभी फुल कट फ्रंट की प्रैक्टिस करना है। ध्यान से देखें, थोड़ा सा स्लो ले लेना है, मतलब ऊपर से आपको नीचे की तरफ करना है ताकि आपको थोड़ा सा स्पेस मिल जाए, टाइम मिल जाए लैंडिंग के लिए। और गाइस आपको काफी बेटर रहेगा अगर आप सॉफ्ट लैंडिंग पिट में ये प्रैक्टिस करते हैं स्टार्टिंग डे में, या फिर मैट बिछा के प्रैक्टिस करते हैं। तो अभी हमारे पास वो अवेलेबल नहीं है, तो हम ऊपर से, और मैं कॉन्फिडेंट हूँ गाइज, इसलिए मैं ऊपर से नीचे की तरफ करूंगा डायरेक्ट ग्रास में। आपको सॉफ्ट लैंडिंग पिट में ही प्रैक्टिस करना है स्टार्टिंग डे में, या फिर मैट यूज कर सकते हैं। किस तरह से प्रैक्टिस करना है ध्यान से देखें। सो गाइज एक बार हाइट से कॉन्फिडेंट होने के बाद आपको ग्राउंड लेवल में प्रैक्टिस करना है, और ग्राउंड लेवल में जब आपका आ जाता है उसके बाद आप बहुत सारे इसके वेरिएशन को प्रैक्टिस कर सकते हैं, जैसे कि कट फ्रंट के बाद कट ट्विस्ट और राउंड अप फ्रंट फ्लिप और कट डबल ट्विस्ट, इस तरह से प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो गाइस बताए गए सारे स्टेप को अच्छे से सेफ्टी के साथ प्रैक्टिस करें, सॉफ्ट लैंडिंग पिट में करें, ताकि आप जल्दी से सीख सकें। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो एक लाइक जरूर करें गाइस। चैनल पे नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर लें, ताकि हम फ्यूचर में आने वाले वीडियो से कनेक्टेड रहें। वीडियो देखने के लिए और मेरे साथ बने रहने के लिए थैंक यू, बाय बाय, फिनिश।